शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व आला अलैका व सहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल हम बात करेंगे लोन की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो अपना ब्रांड है अनारकली बाय बिन निसार, उसका ये वॉल्यूम होगा। इससे पहले ये अर्ज करता चलूँ, उम्मीद है ये वीडियो इंशाल्लाह जुमे रात की रात या जुमातुल मुबारक को अपलोड हो जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुरूद सलाम पेश कीजिएगा। हमारी भी नीयत यही थी कि ये जुमे रात की रात या जुमातुल मुबारक को, मतलब अपना ब्रांड है, इससे इब्तदा की जाए। दुआ भी यही है अल्लाह सुबहाना ताला सब के काम में बरकत अता फरमाए, आसानियाँ फरमाए। एक अर्ज ये भी है, मैं भी आवाज़ की समझ ना आए, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, साथ साथ इसकी डिटेल बताएंगे। वैसे एक अर्ज ये भी करता चलो, डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा है, टाइम कम हो गया, इस वजह से कोशिश होगी कि शॉर्ट टाइम में आपको डिटेल भी बताते जाएँ, समझाते भी जाएँ, और अगर कुछ डिटेल बाकी रह भी गई तो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में बता देंगे। मैं भी ये वाली वीडियो तकरीबन 15 से 18 मिनट की होगी, कोई भाई बोर हो तो उसके लिए भी माजरत है, लेकिन कोशिश यही होती कि जो नॉलेज है वो बताएं, जो रियलिटी है वही बताएं, फैब्रिक की क्वालिटी भी दिखाएंगे, और ये वाला माल अल्लाह की रहमत से आपको ज़रूर पसंद आएगा। डिज़ाइनिंग, इसकी क्वालिटी, फैब्रिक आउट क्लास है। और अभी बताते चलें, ये हमने तकरीबन इस साल, पिछले साल हमने अनारकली का वॉल्यूम बनाए थे तकरीबन 4, इस दफ़ा हमने अपने हिसाब से तो 8 बनवाए हैं, आस्ता आस्ता आते जाएंगे, लेकिन अल्लाह का करोड़ा एहसान है, हमें अभी फील हो रहा है कि स्टॉक कम हो जाना है। प्रिंटिंग में मतलब ये कि ये जो क्वालिटी है ना, कुछ एक्सपीरियंस बेस पे अगर बताएं, कुछ दोस्त वो वीडियो भी देख रहे होंगे, आउट ऑफ सिटी से भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी इसको यही समझा कि ये स्विस है। एक अर्ज मैं करता चलूँ, स्विक और स्विस में बहुत फ़र्क है। स्विक वही है जो 1225 में गालबन हमने लॉन्च कर दी थी, जो किसी का माल था, बाजार से भी आपको 1200 से 1300 के दरमियान मिल जाएगी स्विक जो होती है, लेकिन जो स्विस होती है वो आपको अच्छी तरह ब्रांड का पता होगा, ब्रीजे ब्रांड है, मेरे ख्याल से ऑल ओवर के लिहाज से पाकिस्तान पे टॉप पे ब्रांड है। और वो जितना अपना माल बनाते हैं ना, वो स्विस पे बनाते हैं। स्विस एक्सपेंसिव होती है, ये जिसका ट्राउजर आ जाएगा 2.5 मीटर का ही। डिजाइनिंग, पहला डिजाइन ही, उम्मीद तो यही है कि आपको पसंद आया होगा। सेकंड डिजाइन ये है, 10 डिजाइन का वॉल्यूम आज लॉन्च कर देंगे। जिस ब्रांड का नाम लिया गया है वो वाला ब्रांड स्विस जो ओरिजिनल होती है वही लगाता है, और उसका इस टाइम जो रेट है ना, रॉ फैब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 300 रुपये प्लस है, 300 से 350 होगा। 350 से मुराद है 350, मीन्स ये कि 350 रुपये तक, 300 से 350 तक उसका जस्ट रॉ फैब्रिक मिलता है पर मीटर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, देखें कोई भी ब्रांड है ना, वो पैसे इसी वजह से ही लेता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, काम उसने बेहतरीन करवाया होता है। रिप्लिका का तो बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है, वो नई चीज़ें, वो बाकी ब्रांड की क्वालिटी हमने भी चेक की है। देखें जो जिसका हो वो बताना चाहिए, तो नो डाउट ब्रीजे का जो ओरिजिनल हो वो स्विस पे होता है। स्विस की क्वालिटी के लिहाज से प्राइस ये होती है तकरीबन 300 से 350 रुपये पर मीटर। सेकेंड डिज़ाइन जी ये वाला आ जाएगा, और ये वाली सॉरी क्वालिटी का मैं बता रहा था कि वो जो भाई आए थे ना, उन्होंने भी इसको यही समझा था कि ये स्विस है, क्योंकि आपको देखें वीडियो में ना ये नज़र तो आ रहा है, फील का नहीं पता चल रहा है, इंतहाई मुलायम फील है, लाइक एज ऐसी जैसे स्विस है। और ये वाला माल अल्लाह का एहसान है, हमने फर्स्ट टाइम ये रॉ फैब्रिक खुद बनवाया था, ये दोबारा नहीं बनेगा। उसकी दो रीज़न है, वजह क्या थी, देखिए हमारा भी दिल तो है कि इसको और बनाया जाए, लेकिन तकरीबन 4 महीने का प्रोसीजर है, जितना मर्जी भी हम जोर लगा लेंगे बाजार से ये मिलना ही नहीं है। उसकी वजह क्या, बाजार से क्यों नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही रीजन है कि ये हमने अपना बनवाया है, धागे हमने खुद सिलेक्शन की थी, जिस वजह से इसमें शाइन है। अब वाइट आपने भी देखे होंगे, बाजार में भी देखेंगे, ये डिजिटल प्रिंट है और ऐसे है जैसे रोटरी बुजर है,
रोटरी पे कलर ज्यादा डार्क होते हैं, वजह क्या इसके ऊपर कलर आने की। अब देखे मैं इधर से कह रहा था ओपन भी नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और ब्रिकी में है, जिस वजह से वो साथ ही अटैच है। इसकी शाइन आने की या नफासत आने की जो मेन रीजन है ना, वो है इसका धागा। कॉमंड बाय कॉमंड इसके ऊपर धागा यूज किया गया था। नो डाउट आपको क्वालिटी बहुत पसंद आएगी। हाँ, एक कर्ज ये जरूर करूंगा मैं भी कुछ दोस्तों, ये कि भाई जितनी आपने त्रिफिन की थी ये तो बहुत हल्का है, ये तो वो क्या नाम है, मतलब 1100-1100 वाला सूट है। खुदा रहा हमारी भी इस मामले में इंसल्ट ना कीजिएगा, ये वो चीज नहीं है, रिक्वेस्ट है, ये वो चीज नहीं है, ना ही इसको वो समझिएगा। तो देखिए बड़ी मेहनत हम करते हैं, जब कुछ ऐसा कमेंट आता भी है ना, देखिए दो चीजें, अच्छा सॉरी, इसमें वाइट इसलिए नहीं लगाई गई ट्राउजर के वो तो बिल्कुल सी थ्रू हो जाना था, इसके साथ जो है ये इसी का ही ट्राउजर होगा। तो मैं बात कर रहा था कि क्वालिटी को समझने की, एक इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को फील इसकी आउट क्लास होगी। देखें जिस तरह सिंपल समझाने के लिए, क्योंकि आप में से सब नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक असल स्विस यूज नहीं की। स्विस का और इसमें एक मैं बात बताता चलूं, जो लोग स्विस यूज करते हैं उनको पता है कि वो बहुत लाइट वेट होती है, होती वैसे वो सी थ्रू, उसके नीचे स्लिप यूज होती है। इंशाल्लाह उम्मीद है इसके नीचे स्लिप यूज नहीं होगी। दूसरी बात, स्विस आम दिनों में नहीं यूज होगी, मतलब गर्मी में देखें जिस बंदे ने इतनी एक्सपेंसिव क्वालिटी लेनी है ना स्विस, तो वो एसी वगैरह में ही यूज होती है। वजह क्या है, एक तो उसके नीचे स्लिप यूज होती है, इनर यूज होता है, दूसरा उसमें जो धागा होता है ना शाइन, जिस वजह से आती भी है, फील होता है यार वाकई इसने कोई बहुत आला चीज पहनी हुई है, लेकिन वो थोड़ी सी चुभन भी होती है उसकी, इसकी वो चीज नहीं होगी। रीजन क्या है, ये 100% लॉन तो कहते हैं, होता तो काटे नहीं है, मतलब इसमें पोलिस्टर वगैरह वो चीजें नहीं है। एक डिजाइन जो ये वाला आ जाएगा, डिजाइनिंग अपनी अगर बात करूं तो डिजाइनिंग को 100 में से 95 मस्ट नंबर दूंगा, ये तो जी मेरी च्वाइस है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारा माल है, इस वजह से नहीं, इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसकी क्वालिटी नो डाउट आउट क्लास है। कलर की, रंग की, बुर की एक साल नहीं, अल्लाह की रहमत से जब तक ये सूट है उस टाइम तक गारंटी होगी, ये चेंज नहीं लाएगा इंशाल्लाह। और इसको डबल सल्फर करवाया गया है, होता है सन फ्राइजिंग भी बोलते हैं, वो सिंगल तो रूटीन वाइज सॉरी वो भी नहीं होती, जो अच्छा काम करवाते हैं ना वो सिंगल करवाते हैं, जिसको सनफ्राइजिंग बोलते हैं, सल्फो बोलते हैं, उसका क्या फायदा होता है। सॉरी इससे पहले मैं कुछ कह रहा था वो बात पूरी कर लेते हैं। इसकी फील सेम ऐसे है जैसे वाइल है, देखें वाइल का दुपट्टा तो आपने यूज किया, जो हमारा लास्ट ईयर भी था 1800 या 1850 वाला सूट, उसका जो वाइल का आपको मजा आया था ना दुपट्टे का, इसकी शर्ट का भी वही मजा आएगा। ये इस अंदाज से और इतना लाइट वेट है, क्वालिटी आपके सामने नजर आ रही होगी, इसकी शाइन वगैरह भी, क्वालिटी अगर देखी जाए और माल को देखा जाए, देखें ये हमारा था फर्स्ट एक्सपीरियंस ये वाला रॉ फैब्रिक बनवाने में, एफर्ट भी बहुत ज्यादा हुई है, वर्किंग भी बहुत की थी, मेहनत भी बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैं ये करता चलो, हम ये रोना रोते रहे ना, हमने बहुत मेहनत की नहीं, अल्लाह सुबहाना ताला बेशुमार अता करता है, जितना अल्लाह अता करता है ना उस हिसाब से हमारी मेहनत जरा बराबर भी नहीं है, ये याद रखिएगा, हमारा तो मानना यही है। देखें कुछ लोग ये भी बातें जरूर करते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी काम नहीं चला, ये झूठ है, ऐसा ना सोचा करें, ये जरूर क्या करें यार, हमारी मेहनत बहुत कम है, अल्लाह सुबहाना ताला ने रिवार्ड बहुत ज्यादा दिया है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आपको उतना ही मिलना है, और ना शुक्री करने से बरना तो है नहीं, कम उल्टा होगा जरूर। अगर हम भी यही बात कहें कि ठीक है मेहनत है इसमें कोई नहीं, दिमाग भी किसने दिया, अल्लाह ने दिया है, हमारा अपना तो इसमें कोई कमाल नहीं, हमारे माइंड में ना आती ये बात, फिर हम क्या करते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी होती है कि मेहनत है ये है तो वो है नहीं, अल्लाह ताला की देन है, किसी को भी दे सकता है। अब इसकी जितनी मर्जी त्रिफेन करते जाएं जी, ये देखें जी वॉयल है, अब ये डबल है, इसको उतारने में भी मुश्किल आ रही, वजह क्या, ये लाइट वेट है, शाइन है, आपस में भी ये लग जाता है, माजरत यहाँ हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसको साइड पे करने का, ये भी कह सकते हैं आप इसको, कहेंगे ये ओपन किनारी है, हमारे लिए ये कोई मैटर नहीं, धागा जरूर कहेंगे ये कमाल की क्वालिटी है, ये वैसे फैब्रिक वही है जो मेंस में यूज होता है, और मेंस में भी हल्की क्वालिटियों में नहीं,
अच्छी क्वालिटी में जो धागा यूज होता है ना, ये वाला की वो है। जैसे मुझे डिजाइन पसंद आ रहे हैं मैं फिर वो यूज करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा माल है इसलिए नहीं। जो रियलिटी है वही बतानी चाहिए। उम्मीद यही है कि आपको भी डिजाइन पसंद आएंगे। कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइनिंग, ये उन्हीं लोगों से माल करवाया है जिन लोगों से आपको याद हो गया। आज बल्कि ये स्पेशल सूट एक निकल रहा है, ये क्रिस्टल बाय बिन नसार थी लास्ट ईयर 1750 या 1800 था गालबन। ये वाला माल आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, प्रिंटिंग भी इसकी लाइक की गई थी, डिजाइनिंग भी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी फैक्ट्री से हुआ है। इसकी दोबारा अर्ज करते चले, फील का बता रहा था क्योंकि कुछ दोस्तों को परेशानी हो सकती है, भाई इसकी हमें अभी तक समझ नहीं आई। सिंपल समझाने के लिए ये बताता चलूं, ये क्वालिटी ऐसे है जैसे वायल का सूट पहना हुआ है। वायल एक होती है ना हल्की, वो नहीं जो वायल सोसों में जाती है, ये उस तरह की कैटेगरी है। शाइन के लिहाज से मैं भी उससे ज्यादा हूं। देखें अब ये पैरेट कलर कह लें इसको, ये एक दुपट्टा कंट्रास्ट जैसे ये तस्वीर में नजर आएगा, तस्वीरों में भी इवन के हमने भी ये जज किया है। देखें सम टाइम मैं खुद कहता हूँ तस्वीर में ज्यादा खूबसूरती आ रही है, इस तरह समझाने में मुश्किल है। ये माल ऐसा है अगर आप तस्वीर में कलर देखेंगे वो जरा प्लेन है, इधर शाइन ज्यादा है, माल है ही ऐसा। और ये जो निशानी होती है ना, अगर ये करीब से भी देखें, आसिफ भाई करीब से भी दिखाएं मोटिव को भी, तो ये एक एक चीज बता रही है, इसमें वाइटनेस नहीं आएगी। वजह सिर्फ एक ही रीजन है, धागा अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। करवाया ये मैंने ना एयर जेट लूम है ना शटर लेस है, मैनुअल लूमों पे है, लेकिन एक्सपेंसिव। अगर हम 90-70 भी एयर जेट पे बनवाते हैं उससे भी ये एक्सपेंसिव है। सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहे हैं। इसको अगर हम ये कहते ना कि ये वायल है, सोसो वायल है, 99% लोगों ने मान जाना था, मेरे ख्याल से शायद 100% मान जाते, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखें बात फिर घुमा के वहीं पे आती है, रिजक तो अल्लाह सुबहाना ताला ने देना है। इसको हम कह देते कि ये है ही वायल, आउट क्लास है, आप वायल का रेट पता करें, नो डाउट वायल का रेट तो इससे बहुत अप है। वो भी इंशाल्लाह वॉल्यूम लॉन्च करेंगे, क्रिस्टल उसका नाम रखा है, वो भी आपकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग फिर वही करूंगा, अगर मैं अपनी बात करूं, नो डाउट ये डिजाइनिंग, इसके कलर और फैब्रिक आउट क्लास है। अब करेंगे ट्रोजर की बात। सॉरी इससे पहले फिर मैं दोबारा समझाता चलूं, इसकी फील इस फैब्रिक की ऐसे है जैसे आपने वायल यूज की है। वायल दुपट्टा तो आप में से 90% लोगों ने यूज किया होगा, ओरिजिनल वायल बहुत अच्छी होती है, सोसो जिसको दुपट्टा बोलते हैं। इसकी शर्ट भी ऑलमोस्ट वैसी फील देगी, शाइन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा देगी। धागे का कमाल है हमारा नहीं है, धागे का और प्रिंटिंग वालों की भी इसमें मेहनत है। हमारा क्या, इधर आए हैं वीडियो बनाई है चले गए हैं, हमारा क्यों नहीं, ये सारा उन लोगों की मेहनत है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए उन लोगों को भी और ज्यादा नवासे। डिजाइनिंग काफी ज्यादा मेहनत की गई है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है बहुत कम माल ऐसे होते हैं जिसके हम खुद जाके सिलेक्शन करवाते हैं, डिजाइनिंग करवाते हैं, तो ये माल भी डिजाइनिंग खुद सिलेक्ट आपकी खिदमत में पेश की गई है। स्टैम्प की बात करेंगे, देखें कुछ दोस्तों को ये भी इतराज होता है कि भाई बिन नसार साफ लिखा होता है, कस्टमर इतराज करता है। इसके ऊपर तो सॉरी स्टैम्प मुझे ठीक नजर नहीं आई, इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आई थी, वो मैं दिखा देता हूँ। ये ना BN हमने इकट्ठा लिख दिया था कि किसी को समझ ना, सिर्फ आप लोगों को पता हो। इसके ऊपर भी जो एनले कार्ड है कहीं भी देखेंगे आपको नजर ही नहीं आएगा बिन नसार का माल है। अब इसकी भी बात करें, मैं भी तस्वीर में इतना अच्छा नजर ना आया हो, अगर इसको देखेंगे ये देखें शाइन सेम ऐसे जैसे ये स्विस है, फिर अर्ज करता चलो लेकिन ये स्विस नहीं। खुदारा स्विक के साथ ना कंपेयर कीजिएगा, स्विक बहुत सस्ती है एज कंपेयर टू स्विस। इसकी शाइन ये देखें, अगर आपको फील हो रही हो, हमें तो साफ नजर आ रही है, अल्लाह के एहसान है, माल नो डाउट बहुत आला बना था। दोबारा मुश्किल है, कोशिश तो है कि बनाए, अगर बनाएंगे तो ये प्राइस नहीं निकलेगी। वजह उसकी क्या है कि अब रेट वो नहीं है। दूसरा आज शुरू करेंगे तकरीबन पहली लाट हमें भी अगर फैक्ट्री से आई ना, लाट से मुराद रा फैब्रिक, तो एक महीना तो कहीं नहीं गया। उसके बाद ये चले जाएगी प्रोसेसिंग में, माल बनवाना तैयार करवाना तो काफी टाइम है। अब दोबारा एनले कार्ड को अगर देखा जाए, इसमें ऑरेंज सेम माजरत है तो हमारा ही है, लोकल फील हो रहा है, इसमें देखेंगे तो बेहतरीन शाइन है। वजह बार बार वही अर्ज कर रहा हूँ कि फैब्रिक
क्वालिटी नो डाउट अगेन अस करेंगे क्वालिटी फैब्रिक की, अगर मैं उसको भी नंबर दूं तो 95% ही दूंगा, इससे कम वाली ये चीज नहीं है। प्राइस की बात भी इंशाल्लाह आज आप देखें, बात फिर वही आएगी, बातें यकीन करें बहुत ज्यादा है, या हमारा दिल ज्यादा कह रहा है बातें करने का, लेकिन वीडियो भी लेंथी हो रही, आप भी बोर होते होंगे, साथ साथ डिजाइन दिखाते जाते हैं। ट्राउजर का बता दें, ट्राउजर जो ब्रांड यूज कर रहे हैं ना वो है 90-70-60-40। इस दफा माइंड में तो यही है, बाकी में भी हम गलत भी हों, जरूरी तो नहीं हर बात हमारी ठीक हो, लेकिन लगता यही है, हर बंदा यही बोलेगा जी ट्राउजर, क्योंकि 80-80, 52-52 अब हर कोई समझने लग गया है। हत्ता कि एक और बात बता दें, 80-80, 52-52 और 90-70-60-40 इनके रेट का ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ब्रांड यूज जो करता है वो करता है जी 90-70-60-40। 90-70 क्या है, ये वो नहीं लो लोन यूज होती है, नहीं, 90-70 ताना और बाना आ जाता है, 60 का काउंट लगा देते हैं और 40 का, 40 प्योर कॉटन आ जाती है, तो वो जरा ट्राउजर मोटा फील होता है। ये वाला ट्राउजर मैं बताता चलूं, देखें शर्ट और दुपट्टे की फील आपको लगेगी वाइल की, वाकई ये है भी वाइल अंदाज ही, स्विस कहेंगे हम, अगर स्विस कहते हैं आराम से हमने इससे अच्छे रेट पे सेल कर देना था। देखें अगर ये भी हम फायदा उठाते हैं कि और तो माल आना नहीं है, वाकई नहीं बनना, तकरीबन 3 वॉल्यूम ही आ जाएंगे गला कढ़ाई में इसी क्वालिटी में, और 3 या 4 वॉल्यूम होंगे जो हमने एक शेड्यूल बनाया था, 8 का, लेकिन जो कुछ स्पेस बच जाती है ना, तो 3 या 4 वॉल्यूम होंगे हमारे चिकनकारी के, तो उसमें क्या फायदा होगा कि उसके साथ हमने ना फैब्रिक बचाने के लिए शर्ट तो यही लगी है, दुपट्टा बैम्बर के भी यूज किए हैं, ये जिसका दुपट्टा आ जाएगा वाइल कह लें, अब मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर हमने एक वाइल लॉन्च की थी, सेम वही दुपट्टा फील हो रहा है, लेकिन ये मैंने अब बता दिया पहले ही, हमने खुद बनवाया था ये वाला फैब्रिक, वो नहीं है, ये हमने अपनी एफर्ट से जो भी तैयार किया था, अल्लाह का एहसान है, अच्छा बन गया, आप लोगों के नसीब का था और तो कोई बात नहीं है। डिजाइनिंग भी बेहतरीन है, ट्राउजर की मैं बात कर रहा था, ये वाला 60-40-90-70 तो नहीं है जो ट्राउजर इसके साथ लगाया, लेकिन अल्लाह का एहसान है, देखिए उससे रेट तो अप होना था, इसका वेट और उसका वेट रॉ फैब्रिक हमने वही कैलकुलेशन की थी, ये बराबर है, लेकिन रेट इसका तकरीबन उसकी निस्बत रॉ फैब्रिक का 10 रुपये कम है। अब बिलफर्ज मैं कहता हूँ जी 10 रुपये लाइक एज, सिर्फ 10,000 मीटर माल है तो 1,00,000 रुपया तो हमें बच गया, क्वालिटी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन वो हम अपने पे नहीं रखते, वो आप लोगों को ही लेस करते हैं, इसका रेट क्वालिटी के लिहाज से बहुत मुनासिब है, दोबारा करता चलो क्वालिटी के हिसाब से इसका रेट इंतहाई मुनासिब तरीन है। आसिफ भाई अगर ना इस साइड पे दिखाएं तो ये देखें पहली लाइन कम है, इसके पीछे फिर लाइनें हैं, अल्लाह के एहसान है, ये हमने अभी वीडियो तो आप अभी लगा रहे हैं मतलब बना रहे हैं तो ये पहले सेल होना शुरू हो चुका था, अल्लाह के एहसान है, बात वही, इसमें किसी बंदे का कमाल नहीं है, खास तौर पे हमारा कोई कमाल नहीं है। डिजाइनिंग कलर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, एक बात मैं अभी कहता चलूं, इसकी जो फील है ना वो आपको जरूर पसंद आएगी। देखें हर बंदे के मियार पे हम नहीं आ सकते, मैं कहूँ जी 100 में से 100 बंदों के कलर पसंद आएंगे, डिजाइन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है, कोशिश की है, ट्राउजर इनके साथ 2.5 मीटर के ही यूज करवाए गए हैं, एक सूट की मेजरमेंट ऑलमोस्ट 7.75 मीटर होगी, ये ऑलमोस्ट है, ट्राउजर ऑलमोस्ट 2.5 मीटर का होगा, 10 सूट का ये वॉल्यूम होगा, डिजाइन इसमें ज्यादा है, किसी को ज्यादा चाहिए ज्यादा भी बिजवा देंगे, लेकिन आप 10 लेके पहले ट्राई कर लें, और एक अर्ज करता चलो मेरे ख्याल से 2 या 3 वॉल्यूम ही इसके प्रिंटिंग में लॉन्च होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। आज वैसे एक दोस्त थे मतलब फैक्ट्री वाले लोमे हैं जिनकी, उनसे बात तो हुई है, देखें अगर तो जल्द बन गया तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि हम अब लेट हो जाएंगे, दोबारा नहीं बन पाएगा। देखें 2 रीज़न हैं, बाजार से तो ये लिया नहीं गया, खुद बनवाया गया है, उस हिसाब से टाइम तो लगने ही लगना है। अब बात करेंगे इसकी प्राइस की, लास्ट पे भी बता देंगे, अब फिर बता देते हैं, इससे पहले फिर मैं ये अर्ज करता चलूँ, शर्ट और दुपट्टे की फील ऐसे है जैसे ये वाइल है, अब ये दुपट्टा है इवन जो फ्रेश है
बहुत सॉफ्ट आपको लुक देगा, शाइन देगा। अब इस तरह के कलर आपको भी पता है कि वो अजीब से फील होते हैं, जैसे बीमार बीमार बंदा कह लें, लेकिन इसकी भी शाइन है, अच्छी चीज बनी। ये वाला पर्पल है, इसकी भी शाइन फील हो रही होगी आपको। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी पसंद आएगी। वाइल्ड बटा वैसे अभी बात माइंड में आई है कह सकते हैं, लेकिन जो बता दिया आपको ये वही चीज है, फील आपको सेम वाइल्ड आएगी। हम इसको जो कुछ दोस्त यहाँ पे, सिर्फ एक दोस्त नहीं और भी दोस्तों से जब इसका रिव्यू लिया है, एनालिसिस हम करवाते हैं कि हमने तो बना लिया, देखते हैं क्या चीज कहते क्या है। तो ज्यादातर लोगों ने स्विस बोला था, स्विस एक्सपेंसिव होती है क्वालिटी। अगर हम इसको सेमी स्विस या कह देते कि स्विस के बिल्कुल नियर है, 19-20 फर्क है, तो इसको एक्सपेंसिव दे सकते थे। अब इसको भी देखिए, माजरत, ये तस्वीर उस लेवल की नहीं बनी गई। अब आप भी ये ना बोलिएगा वीडियो देखने वाले कि भाई तस्वीरों वाला बदल लेनी, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। कहना हमारे भी बस हो गई है, आज बोलते बोलते भी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है। और एक ऐसे ये भी करूंगा, मुझे तस्वीर वाले भाई की बात याद आ गई। अब हर बंदा उनको भी देखे, ये काम में चलता है, काम का हिस्सा है। और मैं भी यही बात हो कि शायद कहते ना नजर उतारने के लिए, मैं भी नजर उतारने के लिए तस्वीर ऐसी हो, सूट नो डाउट आउट क्लास है। अब ये वाला जो था ये, और ये जो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगा, ये खुद घर पे भी लेके गए थे, जब जस्ट सैंपल आए थे, इसको वॉश किया, ये सारे मामला देखे, नो डाउट आउट क्लास क्वालिटी है। दोबारा लास्ट पर अर्ज करता चलूं, है ये ब्रिकी में, क्योंकि स्विस लुक देगा, वाइल कह सकते हैं इसको, ये मोटी नहीं है जैसे 90-70 होती है ना, वो चीज नहीं है। और ये एलपीजी बोलते हैं 68-68 को, वो किसी सूरत नहीं है, उसके साथ भी खुदारा कंपेयर ना कीजिएगा। क्वालिटी प्रीमियम तरीन है, फैब्रिक आउट क्लास है। सॉरी मुझे बात याद आ गई सनफ्राइजिंग की, या सल्फो बोलते हैं, किसी भाई को ज्यादा बेहतर पता हो वो लाजमी कमेंट कीजिए कि हमारे इलम में भी इजाफा हो। सॉरी ये भी आ गया, ये बिन नसार इस तरह इस पे मेंशन होगा, आप देख रहे होंगे, आपको अंदाजा हो गया, BN मतलब बी के साथ निसार लिखा गया है, ताकि आप लोग सेल करने में आसानी हो। वेबसाइट कहीं पे मेंशन नहीं है, लोगो जस्ट यही आएगा, ये फ्लायर जो सॉरी ये जो बैग है, कहीं पर भी फील नहीं होगा, आपके लिए आसानी है। सल्फो की बात कर रहे थे, सनफ्राइजिंग यहाँ सल्फो बोला जाता है। लास्ट डिजाइन ये वाला आ जाएगा, उसमें बताते चलें, रूटीन वाइज जो फैक्ट्री है ना, जो कम चार्जेस लेती हैं आपसे प्रिंटिंग के मामले में, वो तो किसी सूरत करती नहीं है, सल्फो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डबल, मतलब उससे ऊपर वाली क्वालिटी, एक तो बिल्कुल लोकल आ गया, एक आ जाता है जो मीडियम लेवल पे ब्रांड हो या जिनकी अपना एक नाम चल रहा हो, वो होती है सिंगल सल्फो या सिंगल सनफ्राइजिंग। उसका क्या फायदा क्या होता है, देखें जो माल बनवाते हैं ना, उन सबको पता है लोन हमेशा अप होती है, मतलब एक एग्जांपल है, मैंने 100 मीटर माल बिकवाया ना फैक्ट्री, तो मुझे वापस 103 मीटर आना है, 103 से 106 मीटर आना है। सल्फो करवाने से क्या होता है, 100 मीटर बिकवाया ना, तो तकरीबन 97 मीटर वापस आना है। वजह उसकी क्या है कि ये उसी टाइम ही ये श्रिंक कर देते हैं, आप इसको स्टिच भी करेंगे ना, श्रिंक ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। मत अब इसको देखेंगे, इसकी शाइन देखें, बार वही अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए हम सबको, जी आप लोगों को भी, हमें भी। माल के लिहाज से देखें, सेल होना ना होना वो तो नसीब की बात है, लेकिन क्वालिटी अल्लाह का करोड़ों एहसान है, हमारी सोच से ज़्यादा बेहतरीन बनी है, आपको भी पसंद आएगी। तो सल्फो ये हुआ हुआ डबल सल्फो, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह लें आप, या जो टॉप 5 पे ओरिजिनल ब्रांड, ये नहीं जो उस फैक्ट्री पे हो रहा है तो वो भी ब्रांड है, नहीं, वाकई ब्रांड जो हो, जिनकी एक्सपेंसिव सूट हो, 2000 से कम वाले किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ऊपर की क्वालिटियाँ वही डबल सल्फो करवाते हैं, ताकि ये किसी किस्म का इशू ना आएगी। सूट तो बनवाया है, बिल्फर्ज मैं अपनी मिसाल दे दूँ, नाप जब दर्जी को दिया था, माप जिसको बोलते हैं, वो तब यहाँ तक था, दो दफ़ा वॉश किया तो ये यहाँ तक आ गया, ऐसा इशू नहीं आएगा, ये सल्फो किया हुआ होता है, इसको डबल सल्फो करवाया गया है। ये चीज़ें आम लोगों की समझ में नहीं आएंगी, जस्ट इसलिए समझाया कि श्रिंक नहीं होगा, आप नहीं भी करेंगे तो इशू कोई नहीं है, या आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। बिलफर्ज आपने दो सूट लिए, हम नहीं देंगे, हम तो सेट ही देंगे, किसी भी लेडीज़ ने जो आपका लास्ट रिटेलर हो उसने लिए,
वो एक सूट को श्रिंक करें, एक को ना करें, स्टिच करवा उसके बाद होता आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ये वो चीज़ नहीं है कि श्रिंक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना इसने अल्लाह की रहमत से। लास्ट पे बात करें एक सूट की प्राइस, देखें कुछ दोस्तों को, बहुत कम लोग यहाँ पर थे जिनको विदाउट पैकिंग हमने 1500 रुपये में दिया था। अभी वीडियो बनाने से पहले मैं कैलकुलेशन निकाल रहा था, अगर हम अब दोबारा बनवाएं तो हमें जो कास्ट होगा तकरीबन 1500-1500 रुपये कास्ट आ रही थी ऑलमोस्ट है। इसकी प्राइस फर्स्ट वॉल्यूम हो जा, अल्लाह ताला सबके काम में बरकत अता फरमाए, सिर्फ और सिर्फ 1500। दोबारा अर्ज करता चलो, इस सूट की प्राइस होगी सिर्फ और सिर्फ 1500 एक सूट की। मिनिमम 10 का वॉल्यूम मिलेगा, वो बन जाएगा 15000 का। 500 ऑल ओवर पाकिस्तान कुरियर चार्जेस आएंगे, ये एक सेट बन जाएगा 15500 रुपये का। वीडियो भी काफी लेंथी थी, जिनको कोई भी बात बुरी लगी हो वो हमें माफ फरमा दीजिएगा, हमारी कोई भी इसलाह करनी हो वो जरूर हमें बताइएगा, कमेंट में मेंशन कर दें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर बता दें, PTCL नंबर है उस पर बता दें, आज लेकर ये भी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आन करीब आपको कंप्लेन नंबर भी दे दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।